दीपावली के 5 दिनों के उत्सव का प्रारंभ हो रहा है आज धनतेरस या धनदा त्रयोदशी से। धन का नाम सुनते ही कई बार लोगों की आंखों में एक चमक आ जाती है, पर धन क्या है? क्या उसका अर्थ सिर्फ रुपया पैसा है? वो तो है ही, पर धन की परिभाषा वेदों में श्री सूक्त में करी गई। वेदों में लक्ष्मी जी की उपासना के लिए बहुत ही सुंदर स्तोत्र है जिसे कहते हैं श्री सूक्त। श्री सूक्त में एक अंश है जब ऋषि कहते हैं धनम अग्नि धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसु धनम इंद्रो बृहस्पति वरुणम धनमस्तुते, अर्थात अग्नि धन है। अब यहाँ पर देखिए वेदों के ऋषि धन हर उस चीज को बोल रहे हैं जो आपके जीवन को बढ़ाती है, उसमें कुछ ऐड करती है, कुछ वर्धन करती है, वो अग्नि को भी धन कह रहे हैं। अग्नि भी धन है, सूर्य भी धन है, वायु धन है, बृहस्पति अर्थात जो आप सीखते हैं, जो आपकी लर्निंग कैपेसिटी है वो भी धन है, वसु जो दिशाओं की रक्षा करते हैं या पूरे पर्यावरण की रक्षा करते हैं वो भी धन है, इंद्र जो वर्षा कराते हैं बादलों के देवता हैं वो भी धन है, वरुण जो जल के देवता हैं वो भी धन है, और ये सब जो है धन स्वरूप हो मेरे लिए। आप देखिए धन की इतनी व्यापक परिभाषा है कि उसको पूरी सृष्टि से जोड़ दिया गया है। और कब माँ महालक्ष्मी की कृपा होती है, उनके स्वागत करने के लिए आवश्यक क्या है, ये भी दूसरे सूत्र में बताया है। श्री सूक्त जो वेदों में दिया है उसी से मैं आपको एक श्लोक और सुनाता हूँ ताकि आप माँ महालक्ष्मी का आवाहन पूरी शुद्धता और पूरी शास्त्रीय विधि से कर सकें और उनके आगमन का लाभ ले सकें। न क्रोधो न च मात्सर्यम न लोभो न शुभामते, क्रोधो न च मात्सर्यम, क्रोध न हो मेरे मन से, अगर क्रोध चला जाए, मात्सर्य दूसरों से ईर्ष्या द्वेष उनकी निंदा करने का भाव चला जाए, लोभ चला जाए, अशुभ विचार अगर मेरे मन से चले जाए, ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनको लक्ष्मी जी पसंद नहीं करती, तो अगर वो होते हैं अपने अंदर तो लक्ष्मी चली जाती हैं। तो अगर आपको लक्ष्मी जी का स्वागत करना है तो न क्रोधो न च वात्सर्यम न लोभो न शुभामते भवन्ति कृत पुण्यानाम भक्तानाम श्री सूक्तम जपे। जब मैं श्री सूक्त का जप करूंगा तो जैसे जैसे भक्ति भाव से इनका जप करूंगा वैसे वैसे इसके जप का प्रभाव क्या होगा कि मेरे मन से क्रोध लोभ मात्सर्य और अशुभ विचार निकल जाएंगे, और जब ये निकल जाएंगे तो मैं महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का उपयुक्त पात्र बन जाऊंगा। महालक्ष्मी आप सबके हृदय में प्रवेश करें, घर में प्रवेश करें, धन धान्य से आनंद से सुख संपत्ति से सबको परिपूर्ण करें, इसी मंगल कामना के साथ व्यास सर्टिफिकेशन से हम सबका आपको प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं।